गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा अपना खाना स्वयं बना लेना। ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। उनके अतिरिक्त जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे अपने न्यूट्रिशन के लिए इन ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर हैं। वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, वो ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस मोड से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिनमें वो होता है उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द्वारा जो खाना बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में हमने देखा था कि वो इन्वायरमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जो उनका न्यूट्रिशनल कंपाउंड होता है। यहाँ क्या है, हेटरोट्रॉफ्स के मामले में क्या है कि ये सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबके सब ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स फूड को इनके शरीर के अंदर डाइजेस्ट किया जाना आवश्यक होता है, उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। डाइजेशन का क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ देना ताकि शरीर उनको एब्जॉर्ब कर सके और एनर्जी और मटेरियल के लिए उनका उपयोग हमारा शरीर कर सके। इसके लिए इनको तोड़ना होता है और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। ये एंजाइम क्या है, केमिस्ट्री में आपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने कैटलिस्ट होते हैं उन्हें बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स कहते हैं। सारे के सारे रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर सैकड़ों हजारों केमिकल रिएक्शंस हर वक्त चलते रहते हैं और हर केमिकल रिएक्शंस के लिए पार्टिकुलर एक एंजाइम होता है। बिना एंजाइम के ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं, बायोकेमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ये संभव नहीं है। तो एंजाइम सिंपल, आप एक उदाहरण ले, अगर मानव जो एक वक्त में भोजन करता है, जो खाना खाता है इंसान एक बार में, अगर एंजाइम ना हो तब भी ये पचेगा, लेकिन एक वक्त का खाना कितने समय में पचेगा कुछ अंदाजा है? 50 साल लगेंगे, इट विल टेक 50 ईयर्स। तो कहोगे कि तो बड़ा अच्छा है कि बस दोबारा खाने होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, लेकिन हमको तो हर वक्त एनर्जी की जरूरत है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए मटेरियल्स की जरूरत है। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये खाना एक निश्चित अंतराल पर इसको पचना चाहिए, इसलिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक है। चलिए, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशन के अनुसार इनके शरीर में तरह तरह के अडेप्टेशंस, अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिशन जो होगा, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का प्रकार इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे माहौल में हैं और किस तरह के अडेप्टेशंस उनमें पाए जाते हैं, यानी टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, टाइप एंड अवेलेबिलिटी, टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ
फूड मटेरियल किस तरह का भोजन है और वो उसकी उपलब्धता वो कहाँ अवेलेबल होगा, कितनी मात्रा में अवेलेबल होगा, ये मायने रखता है। और फिर हाउ इट इज ऑब्टेंड, हाउ इज फूड ऑब्टेंड, ऑब्टेंड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सारी बातें होंगी ये निर्धारित करेंगी कि किस तरह का न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो मेथड होगा वो किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का पाया जाएगा, इन बातों पर निर्भर करेगा। किस तरह का वो भोजन लेते हैं, उसकी उपलब्धता की क्या स्थिति है और फूड प्राप्त करने का तरीका क्या है, अलग अलग तरीके, जैसे कि जो फूड सोर्स है, फूड सोर्स है वो स्टेशनरी है या मोबाइल है। अच्छा, ये दोनों वर्ड्स जो हैं स्टेशनरी एंड मोबाइल, ये दोनों आपको परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए स्टेशनरी एक तो होता है जो आप कलम कॉपियाँ खरीदते हैं, जहाँ से नोटबुक पेंस वगैरह खरीदते हैं, वो है स्टेशनरी, स्टेशनरी ईयर वाई। और अभी जो हमने बोला वो है स्टेशनरी ई आर वाई, डिफरेंस देखिए ई आर वाई स्टेशनरी और ए आर वाई स्टेशनरी, ये ऊपर वाला है वो स्टेशनरी स्टोर्स कॉपी कलम खरीदने वाले, और ये स्टेशनरी का मतलब है स्थिर, के जैसे घास, घास तो कहीं उगती है ना, कहीं उगती है घास और वहाँ पर वो स्टैटिक है, स्टेशनरी है। आप जिस ऑर्गेनिज्म का फूड वो घास ही है उसको वहाँ पर जाना होगा, फिर उसके ऑपरेटर्स घास को प्राप्त करने के लिए उसके जो ऑपरेटर्स हैं, जो ऑर्गेन्स हैं, वो उसके अनुसार अडेप्टेड होने चाहिए। या अगर मोबाइल, फूड सोर्स जो है मोबाइल है, फिर एक वर्ड आ गया मोबाइल, मोबाइल मतलब हम लोग तो गलत बोलते हैं, दिन भर कहते हैं कि अरे देखो तो मेरा मोबाइल कहाँ है, ये गलत बोलते हैं। मोबाइल को नाउन के रूप में हम बोलते हैं, जबकि मोबाइल क्या है, एडजेक्टिव है, कहना चाहिए हम लोगों को कि मोबाइल फ़ोन कहाँ है, लेकिन हम कहते हैं कि मोबाइल कहाँ है, इतना प्रचलन है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। लेकिन अब जैसे मोबाइल सोर्स ऑफ फूड का मतलब ये होगा कि गतिशील, वो जो फूड है, फूड सोर्स है वो गतिशील है, जैसे हिरण, शेर का भोजन हिरण है, और हिरण तो कहीं स्थिर मिलेगी नहीं, उसको स्टैटिक तो नहीं मिलेगी, स्टेशनरी नहीं है वो कभी यहाँ दिखेगी कभी वहाँ जाएगी, दौड़ेगी भागेगी, और शेर उसको दौड़ के अटैक करता है, शिकार करता है। तो इसके अनुसार फूड सोर्स के अनुसार उसमें मतलब इसका जो ऑपरेटर्स है ऑब्टेन करने के, फूड प्राप्त करने के लिए कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रेटेजी वो अपनाएगा, इसमें भिन्नता पाई जाती है, हर जगह इसमें भिन्नता पाई जाएगी। उसके अनुसार उसके ऑर्गेन्स में भी भिन्नता होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी भिन्नता होती है। अब देखिए जितने सारे एनिमल्स हैं वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, फिर उनके शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है उसका एक अंग है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली, उसके अंदर पचे हुए भोजन का, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑर्गेनिज्म ने ग्रहण किया है उसका पाचन होता है एंजाइम के द्वारा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पाचन होता है जिससे सिंपलर कंपाउंड्स बनते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब किए जा सके, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो एक एक कोशिका को पहुंचाया जाता है, तो ऑब्जर्वेबल फॉर्म में लाने के लिए उनको डाइजेस्ट करना होता है। अब फंजाई है, फंजाई जैसे जितने सारे फंजाई हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, मशरूम आपने देखा होगा, तो फंजाई में एक अलग तरह का सिस्टम है। एनिमल्स में क्या है कि भोजन उसने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद एंजाइम एक्टिविटी शरीर के अंदर होगी, उस भोजन को पचाया जाएगा। फंजाई में क्या है कि फंजाई जहाँ पर उगते हैं
वहीं पर उनका फूड सोर्स होता है, इर्द गिर्द में जो सबस्क्रेटम है वहीं पर उनका फूड सोर्स होता है। तो वो क्या करते हैं कि एंजाइम सेक्रेट कर देते हैं शरीर के बाहर, शरीर के बाहर जो फूड मटेरियल है फंजाई का वहां पर वो एंजाइम सेक्रेट कर देंगे और पाचन की क्रिया जो है एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो फंजाई के शरीर के बाहर फूड पार्टिकल पर होगी और जो काम दूसरे एनिमल्स में शरीर के अंदर होता है वो काम शरीर के बाहरी फूड पार्टिकल पर हो जाएगा। फिर सिंपलर फॉर्म में वो मॉलिक्यूल तोड़ दिया जाएगा और तब न्यूट्रिएंट्स को ये फंजाई एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो सोचिए कितना डिफरेंस है। अब देखिए बहुत सारे जो अभी हमने बताया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे के सारे डिपेंड हैं ऑटोट्रॉप्स पर। अब बकरी जैसे घास खा जाती है तो बिल्कुल खा ही जाती है ना, कई बार तो बस पौधे का समाप्ति ही कर देती है। उसी तरह से शेर है, शेर हिरण को खाता है तो बिल्कुल मार ही डालता है उसको। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे पर डिपेंड है लेकिन विदाउट किलिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहाँ से वो अपना भोजन प्राप्त करेगा लेकिन उसको मारेगा नहीं। जैसे कसकुटा एक है, कसकुटा आपने देखा है पौधा, कसकुटा आवरबेल इसको हिंदी में कहते हैं, आवरबेल बड़ा बड़ा लत्तर होता है इसका, पतला पतला धागे जैसा लत्तर होता है, थोड़ा सा लेके आप फेंक दीजिए आम के पेड़ पर तो क्या होगा वहीं पर वो ग्रो करने लगेगा कसकुटा आवरबेल। तो ये वहां से अपना पानी और जो मिनरल्स हैं ये सब ले लेते हैं, ये कहाँ से, दूसरे पौधे से। उसी तरह से जुएं होती हैं, लाइसेस और ये जोंक लीसेस या टेपवर्म, टेपवर्म जो मानव के आहार नल के अंदर पाया जाता है, डिवर्मिंग की आजकल बहुत चर्चा है, डिवर्मिंग यानी वर्म्स को ख़त्म करना है, वर्म मुक्त करना है पूरे देश को। ये वर्म जो होते हैं टेपवर्म एक उसी का है, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, पोषण पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं ये, उससे इनका पोषण तो होता है लेकिन जिस इंसान के पेट में ये रहेंगे तो वो तो कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। तो अब देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं इनमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे अंतर है, विभिन्न जीवों के न्यूट्रिशन प्राप्त करने में काफ़ी वेरिएशंस हैं और इन तरीकों में अंतर के कारण उनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होंगे वो भी भिन्न भिन्न होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब आइए देखते हैं, जैसे अमीबा आपने सुना है, अमीबा, अमीबा अमीबा एक सिंगल सेल्ड जीव है, एक कोशिका का बना होता है, पानी में पाया जाता है और इसका शरीर, इसका बॉडी जो है वो निश्चित नहीं होता है मतलब कि वो लचीला होता है इसका बॉडी, उस पर उभार पाए जाते हैं इस तरह के। इस तरह का अमीबा होता है, न्यूक्लियस है और ये इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया सब फैले हुए हैं, प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये जो अमीबा है, ये जो स्यूडोपोडिया आप देख रहे हैं ये कोई अस्थाई स्ट्रक्चर नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये जहां दिख रहे हैं ना, दो मिनट बाद आप देखेंगे तो ये कहीं और दिखेंगे, किसी दूसरे लोकेशन पर दिखेंगे। मतलब ये स्यूडोपोडिया जो है वो स्यूडोपोडिया सॉरी इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया मीन्स पांव पैर, क्योंकि ये चलन में काम आते हैं पौधे, सॉरी ये जो अमीबा है पानी पर तैरता रहता है तो ये स्यूडोपोडिया के माध्यम से चलता है, तो इसका नाम दे दिया गया फॉल्स फुट,
स्यूडोपोडिया। तो ये स्यूडोपोडिया कोई अस्थाई स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। अब होता है क्या कि कोई फूड पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल इसको मिल गया, कोई भोजन का कण यहाँ पर इसके शरीर से टच हुआ, तो क्या होगा कि बगल वाले जो स्यूडोपोडिया हैं वो इसको घेर लेंगे। स्यूडोपोडिया कोई अस्थाई स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो वो इसको क्या करेंगे कि घेर लेंगे और इस तरह यहाँ जो था स्यूडोपोडिया, मान लीजिए कि यहाँ पर फूड पार्टिकल जो इसको मिला फूड पार्टिकल, तो ये क्या करेगा कि ये इसको घेर लेगा। ये दीवार जो है ऐसे ऐसे उधर से बढ़ेगा, इधर से बढ़ेगा और ये बिल्कुल इसको घेर लेगा और अंदर वाली जो दीवार है ये ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से ये अब अमीबा के शरीर के अंदर आ गए। फूड पार्टिकल शरीर के अंदर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस पर एंजाइम की प्रतिक्रिया होगी और फिर इसका डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट किया जाएगा। फिर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो पोषक तत्व होंगे, वो प्रोटोप्लाज्म में घुल जाएंगे, अमीबा का न्यूट्रिशन होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा मतलब कि अनडाइजेस्टेड, इस फूड पार्टिकल का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो फिर यहाँ पर ब्रेकिंग होगी। यहाँ क्या होगा कि ये अमीबा था, तो यहाँ जो फूड पार्टिकल अंदर था, ये फूड पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ पर था, तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक करेगा और फिर ये ऐसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और इस तरह से ये शरीर के बाहर निकाल दिए जाएंगे। शरीर के बाहर ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, इस तरह से ये बाहर। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई खास ऑर्गेन नहीं है, यहाँ पर इसका पूरा शरीर कहीं से भी ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले सकता है और कहीं से भी अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल होगा उसको ये बाहर निकाल सकता है। इसके लिए किसी ऑर्गेन की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए पैरामीशियम जो है वो भी यूनिसेलुलर है। पैरामीशियम का नाम आपने सुना होगा, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, ये भी पानी में रहता है, लेकिन इसका जो बॉडी है उसका एक डेफिनेट शेप है, एक निश्चित आकार होता है। ये स्लीपर की तरह, बाथरूम स्लीपर की तरह इनका आकार होता है। अमीबा की तरह ये अनिश्चित नहीं है, इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का होता है और डेफिनेट है, इस तरह का इस तरह की संरचना होती है। पूरे शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं, इस तरह से पूरे शरीर पर सीलिया लगे होते हैं और इसका शरीर डेफिनेट आकार का होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक यहाँ पर ग्रूव दिख रहा है ना, एक खांच एक दिख रहा है ग्रूव, इसको कहते हैं ओरल ग्रूव। एक खांच यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ क्या है, न्यूक्लियस होता है इधर और फिर प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स
हम लोग देखेंगे अलग से। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पैरामीशियम है ये कोशिकीय है, लेकिन इसमें यहाँ पर एक ओरल ग्रुप डेवलप हुआ है, यहाँ पर एक और माउथ पोर भी होता है, एक छिद्र होता है जिसको माउथ पोर कहेंगे। एक छिद्र डेवलप हो गया है, माउथ पोर हो गया है। अमीबा में हमने क्या देखा कि उसका पूरा शरीर कहीं से भी ले लेगा, लेकिन फूड पार्टिकल को वो कहीं से भी ले लेगा, लेकिन पैरामीशियम में क्या है, एक पर्टिकुलर स्पॉट बना हुआ है जिसको माउथ पोर कहेंगे। अब कहीं भी अगर फूड पार्टिकल टच हुआ, इस सीलिया को अगर फूड पार्टिकल कहीं मिला, तो इस फूड पार्टिकल को ये गति करके यहाँ पहुँचा देगा। फूड पार्टिकल को ये माउथ पोर के पास सीलिया में गति होते रहती है, तो ये मूवमेंट के द्वारा ये पहुंचा देगा यहाँ पर, और तब वो ले लिया जाएगा इसके द्वारा। फिर अंदर इसका डाइजेशन, फिर एक छिद्र होता है एनल पोर, इसको हम कहेंगे एनल एनल पोर। एनल पोर के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्गेन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर बन गए हैं कि फूड लेने के लिए एक खास जगह, एक स्पॉट है, फिर एक्सक्रीशन के लिए एक स्पॉट है, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरह से जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर में, बॉडी में, बॉडी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आई है, उसी तरह से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्सिटी आती गई है। हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में पोषण कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे अगले दिन। आज के लिए